वंदे भारत एक्सप्रेस पर तोड़फोड़ या पत्थरबाजी की घटनाएं कोई नई नहीं है। इससे पहले भी तमाम इलाकों से ऐसी खबरें आ चुकी है। बताया जा रहा है कि जुलाई में ही गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस दौरान ट्रेन में यात्री भी मौजूद थे। अचानक हुए इस पथराव से यात्री घबरा गए और ट्रेन में डर और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गनीमत थी कि ट्रेन में शीशे टूटने से कोई यात्री घायल नहीं हुआ। वहीं देश के तमाम इलाकों से कई बार वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं सामने आई है। बल्कि जब से वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है तब से ही अराजक तत्व इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। हालांकि रेलवे ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। और अब छत्तीसगढ़ से वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इसी ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले थे। कोशिश करेंगे भारत से ऊपर आने की, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे। भारत एक ऐसी खोज कर लेगा जिसका चारों तरफ देशों में नाम हो जाएगा इस समस्या के नाम। केजरीवाल को मैंने जिसको समस्या में देखा, प्रार्थना करें। ममता बनर्जी को कुछ समस्या में देखा, परमेश्वर का आत्मा करें, कुछ लोग इकट्ठे होकर दुआ करें अपने सीएम के लिए, अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें और प्रार्थना करते हैं सबके लिए। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। मैंने कहा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने चमत्कार होंगे 2024 में। जवान लोग भविष्यवाणियां करने लगेंगे। 2024 में यूपी बहुत अमीर हो जाएगी। आमीन। 2 साल से बोल रहा हूं, परमेश्वर सुनता आ रहा है। 5 कंट्रियां एक करेंसी बनाएंगी, ये मैं 3 साल से बोलता रहा हूं और वो आप सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन 2024 खत्म होते ही दिसंबर और मार्च के अंदर आपको सिर्फ 100 और 50 के नोट बचेंगे। समझने वाला समझ ले, बाकी अंदर कर ले। राजपाल यादव जी, अंदर कर लेना बाकी। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपके फायदे के लिए परमेश्वर बता रहा है। कुछ करेंसियां जो लोग बैंकों में पैसा डालते हैं, आपको न्यूज सुनने को मिलेगा ऐसी आर्थिक तंगी आएगी, कई देशों की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, और जिन्होंने बैंकों में पैसा डाला होगा वो बैंक करप्ट कर लिया जाएगा, पैसा गायब। पैसा रखे तो रखे कहां? बाइबल बोलती है, ये भविष्यवाणी है। ऐसा 2024 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 25 में, मार्च में 2025 में भी आपको सुनने लगेंगे आप। आपके पास 8 महीने हैं अभी गौर करने के। हालेलुया। हम क्या करें? जो लोग महंगाई के लिए बोल रहे हैं, महंगाई और बढ़ेगी, महंगाई और हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आएगी, आत्मा उतरेगा, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगा भारत में। करे यहां से लोगों को, करे चंडीगढ़ से, बहुत सारे भारत से बच्चे विदेशों में जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ऐसी जगह में बुलाना पड़ेगा उन्हें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन भारत में इतना पैसा, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आने वाली है कि आपके बच्चे बाहर नहीं, यहीं पर काम में। गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं, परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ, जिसके वजह से आप आज नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं?
क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं, क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है, वो पापी नहीं था परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाशमय हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है तो सच्ची धार्मिकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा, आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी, सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए, हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखें और उस पर यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें और कमांड करें, यकीन रखें और वचनों को पढ़ें और वचन आपको आज़ाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहें, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता के झीलम को पहन लें और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दें। सबको जय मसीह की, आपकी चंगाई।